पैसा ही कर लेंगे, जितना ई एम आई है स्टार्टिंग का। अब कर्जा ही हट जाएगा तो पेंशन ही खत्म हो गया, पैसा सेविंग में आ जाएगा। फिर बाइक का लोन बना 3,000 दो कर लेंगे, उसमें कोई बस गर्लफ्रेंड पर्सनल नहीं है, गर्लफ्रेंड को कर दिया वो सब पर्सनल चीज है, वो सब पर्सनल चीज नहीं है। आज उसके पास तो केस भी खा चुके हैं, लेकिन फिर भी हम बात करते हैं। अभी तक नहीं सर, अभी कॉल ले हैं, मतलब अभी तो फोन कर रहे हैं। कौन सा एप्लीकेशन वगैरह दे रहे हैं? किस्त। अच्छा किस्त एप्लीकेशन। तो यही है कि नहीं रिपेमेंट कीजिएगा तो आपका सिविल डाउन होगा। कॉल तो करेगा ही, कॉन्टेक्ट लिस्ट पर भी फोन करेगा। हाँ कॉन्टेक्ट लिस्ट पे मतलब पूरा कॉन्टेक्ट नंबर जितना है मतलब पूरा उसने भेज दिया है। भेज दिया ना? हाँ। क्या भेजा है? मतलब पूरा जितना हमारे मोबाइल के अंदर जितना भी कॉन्टेक्ट नंबर है पूरा, मतलब हमारे व्हाट्सएप पे उसने मैसेज किया है कि इस पे फोन करके आपको ऐसे ऐसे कहेंगे कि आपने सत्ते में लोन मतलब ऐसे ऐसे बताए, बोल रहा था तुम्हारा इज्जत का वाट लगा देंगे। सही बात है, सही बात है। देखिए अक्सर इस पर हम वीडियो बना रहे हैं, समझ गए आजकल कि कॉन्टेक्ट लिस्ट हैक करता है, जबकि देखिए आरबीआई का नियम है कि कॉन्टेक्ट लिस्ट नहीं हैक करना चाहिए, समझ गया ना। तब पर भी हैक कर ले रहा है, जैसे फ्रॉड एप्लीकेशन कैसे करते हैं, सेम उसी का मतलब कि रूल पर चल रहा है सब। फिर बोले कि सर अब 2-3 दिन में कर देंगे, बोल रहा है कि पहले 1450 रुपया पेमेंट करो। तो 1450 रुपया पेमेंट कर दो, उसके बाद धीरे धीरे अपना किस्त ऐप से लोन अपना चुकाना। तो नहीं देखिए ये बात ये नहीं ना है, 200-300 का बात नहीं ना है, मेन बात है कि कॉन्टेक्ट लिस्ट एक्सेस कैसे कर लिया, बात है कि नहीं। जब रूल का खिलाफ है तो कैसे कॉन्टेक्ट लिस्ट मतलब कि एक्सेस कर सकता है, बात है कि नहीं। तो मेन इसी का बात है। तो देखिए इस पर लगातार हम वीडियो बना रहे हैं और यूट्यूब पर भी डाल रहे हैं ताकि आरबीआई को भी पता चले, चाहे साइबर वालों को पता चले, तो ऐसे ऐसे एप्लीकेशन पर बैन लगाए। धनी एप्लीकेशन भी ऐसा ही कर रहा था, जो पिछले साल धनी एप्लीकेशन था वो भी ऐसा ही कर रहा था। अलग से पेमेंट मांग रहे हैं, बोल रहे हैं इस नंबर पे आप गूगल पे फोन पे डाल कर दीजिए 1400। ना ना एकदम नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं, पेमेंट नहीं करना। देखिए अब इसका इलाज यही है, फ्रॉड एप्लीकेशन का कैसे बताते थे कि फ्रॉड एप्लीकेशन है, यदि फोन करता है तो कॉल मैसेज इग्नोर कीजिए और स्टोरी लगाया कीजिए मेरे फोन को किसी हैकर ने हैक कर लिया, यदि आप पर कोई गलत मैसेज आता है तो उसका रिस्पॉन्स मैं नहीं हूँ। नहीं सर आप बताए थे उसमें वीडियो देख के, मैंने सब डाल दिया है। हाँ सब पे फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे सब लगा चुका हूँ। हाँ तो वो सही बात है, ऐसा ही मतलब कि डाली है और सबको यकीन दिलाई कि फ्रॉड फ्रॉड ही नहीं कुल काम कर सकता है। अब जो बढ़िया एप्लीकेशन रहेगा, जो मान लीजिए जिसका लक्षण सही है, वो गलत काम कैसे करेगा, बात है कि नहीं। जो बढ़िया आदमी है, बढ़िया आदमी कभी खराब काम कर सकता है, कभी चोरी कभी मर्डर ये सब कर सकता है। अब देखिए इसका रीति रिवाज वही है, तो भाई कर रहा है तो फ्रॉड है, फ्रॉड है। अब जिसको यकीन नहीं आ रहा है, जिसको मतलब कि समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब कि नहीं ये बढ़िया एप्लीकेशन है, तो जाओ आरबीआई का रूल पढ़ो, आरबीआई का रूल पढ़ो। चाहे सदन में यहाँ पर हल्ला हुआ था ना कि निर्मला सीतारमन जो फाइनेंस मिनिस्टर है, कि रिकवरी एजेंट जाकर किसी घर पर धमका नहीं सकते, रिकवरी नहीं कर सकते, कॉन्टेक्ट सबके बारे में चर्चा हुआ था पूरा एक लिस्ट में। तो ये पहले से भी रूल है, पहले से भी रूल है और अभी भी मतलब सख्त आदेश दिया गया बैंक को भी और एनबीएफसी को भी। पेमेंट करें या नहीं? अब देखिए आपको बता देना चाहते एक और कड़वा सच, रिपेमेंट करने के बाद भी आप पर फोन कर रहा है सब, समझ गए। मान लीजिए पेमेंट भी कर दीजिएगा ना, तो पर भी आप पर फोन कर करके बोल रहा है सब कि पेमेंट नहीं हुआ है, सिविल आपका सिविल में शो हो रहा है कि आप किस एप्लीकेशन से लोन लिए हैं, आप एम पॉकेट से लोन लिए हैं या कोई भी एप्लीकेशन से लोन लिया जो जितना है एनबीएफसी कनेक्टेड। हाँ ऐसा ही कर रहा है सर, पेमेंट करने के बाद ही ब्लैकमेल कर रहा है सर। तो बताइए पेमेंट करें या ना करें, आप ही बताइए अब क्या करना चाहिए। बात है कि नहीं, पेमेंट करने के बाद ही ब्लैकमेल जो हो रहा है, तो बात यही है कि भाई पेमेंट ना करें। तो चलिए कॉल मैसेज यहाँ पर आया, उठा लेते हैं यहाँ पर। हाँ भाई बोलिए। हाँ बोलिए। नहीं तो उस टाइम मतलब कि नेटवर्क इशू था थोड़ा, बताइए बताइए। अरे हम बता रहे थे कि हम फोन किए थे कि हम फोन को भेज देंगे। अच्छा भेज देंगे, इसी पर भेज देंगे। हाँ चलिए ठीक है ना। अच्छा
ठीक है ठीक है, नहीं ना सारा दिन कहाँ से ऑनलाइन रहेंगे भाई, यही इंस्टाग्राम पर हम बैठेंगे। अभी ये सब ट्रेनिंग वोनिंग नहीं, हम पढ़ाई अभी कर रहे हैं, बात एक नहीं। अब शाम को हम ये रहते हैं ठीक है, 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में इंस्टाग्राम पर रहते हैं, बाकी हम इंस्टाग्राम के चक्कर में हम नहीं जाते हैं। अच्छा हाँ, इंस्टाग्राम से ऐसे ही हम दूर रहते हैं ये सब से। अच्छा तैयारी करते हैं आप? हाँ अब काम नहीं बताइए कि अब एडिटिंग भी करना है, वीडियो भी बनाना है, अब ऊपर से पढ़ाई भी करना है, तो दिन भर इंस्टाग्राम देखेंगे तो हमारा होगा काम। आप यूट्यूब में मेहनत करें लेकिन थोड़ा अलग करे, लोन में ठीक है और भी अच्छा बनाइए, आपके अंदर तो टैलेंट है ही है बोलने का, वही ना आपका वीडियो देखे ना उससे पता चलता है। बस ठीक है ना, और सब घूमने जाइएगा क्या? क्या बोल रहे हैं? बोल रहे गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जाइएगा। हमारा कहाँ से भाई गर्लफ्रेंड, हम ये सब के चक्कर में नहीं रहते हैं। इतना स्मार्ट है आप? हम कोई स्मार्ट नहीं है, देखिए हम यदि ये सब के चक्कर में यदि रहेंगे ना तो काम हम कुछ नहीं होगा, समझ रहे ना, हम ये सब सही से दूर रहते हैं, खिलाफ रहते हैं ये सब सही से ही। हम काम भी करना है ना, काम करना, वीडियो बनाना, देखते हैं कितना लंबा लंबा वीडियो रहता है एडिटिंग, ये सब से टाइम ही नहीं है। चलिए ठीक है ना, और सब हटाइए ये सब गर्लफ्रेंड फ्रेंड ये सब हटाइए, ये सब फालतू चीज है, ये सब के बारे में नहीं सोचना चाहिए, जिंदगी में आगे बढ़िए, नौकरी बढ़िया कीजिए, सरकारी नौकरी कीजिए, सब चीज ठीक है, वो तो कर लेंगे। हाँ वही बोल रहे हैं, जिंदगी में आगे बढ़िए, कोई भी नौकरी कीजिए, सरकारी भी कीजिए, सरकारी की ज्यादा डिमांड है ना, तो सरकारी में ज्यादा फोकस कीजिए, नहीं लगेगा तो प्राइवेट है, प्राइवेट तो कर ही रहे हैं आप, हमको एडवाइस देते हैं आप भी बड़ा भैया जैसा, तो हमको सिर्फ गैम्बलिंग के पीछे ना, तो वो समय पैसा मत लगाइए, वो समय पैसा मत लगाइए कुछ, मतलब कि ये सब ये मत कीजिए, कुछ और कीजिए, समझ गए, कुछ और कीजिए, ये सब के चक्कर में मत रहिए। हमको पैसा रखने मना कर दिए है, जो मैं ये ज्यादा है नहीं, मेरा 50-55 हजार का है, 25 हजार महीना मिल महीना में खत्म हो जाएगा। नहीं तो सेविंग पर ज्यादा ध्यान दीजिए, समझ गए, सेविंग पर ज्यादा ध्यान दीजिए, सेविंग जब से करने लगेंगे ना तो बहुत मजा आने लगेगा, क्योंकि देखते ना एक अक्से कंजूस आदमी रहता है, आपको लगेगा कि भाई भिखारी है, एक ही कुर्ता पर चल रहा है, लेकिन उसका बैंक अकाउंट जाकर चेक कीजिएगा तो 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ पैसा लेकर बैठा है, सब आपको लग रहा है कि साधारण आदमी है, वो नोकिया का मोबाइल लिया है, वो नोकिया का पूरा शोरूम खरीद लेगा, इतना इतना पैसा रखता है सब, लेकिन अपना आराम से रहता है सब, सेविंग करता है सब, कंजड़ाई में रहता है सब, तो बात है कि नहीं। नहीं तो ये सब देखिए, अब देखिए जो भी चीज के बारे में सोचिएगा तो डिप्रेशन में जाइएगा, लोन के बारे में सोचिएगा तो वो भी डिप्रेशन में आपको डालेंगे, क्योंकि आपके पहले एक भाई साहब से बात हो रही थी तो वो बोले कि सारा मोबाइल का कॉन्टेक्ट एक्सेस कर लिया था, 350 नंबर था, 350 का 350 नंबर एक्सेस कर लिया, उसके बाद हम पर भेजा कि हम भेज देंगे नहीं पेमेंट करने के बाद, तो धमकी उनको दिया ना, तो वो डिप्रेशन में जाएंगे, आप भी किसी और की चीज के बारे में सोचिएगा तो डिप्रेशन में जाइएगा, ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, केवल आप अपने आप पर सोचना चाहिए कि हम कैसे हम आगे बढ़ेंगे, तो उसके लिए डिप्रेशन अच्छा है, उसके लिए डिप्रेशन अच्छा है, अपने आप पर सोचिएगा ना हम कैसे हम आगे बढ़े, वो डिप्रेशन में जाइएगा तो बहुत बढ़िया है, वो डिप्रेशन आपको बहुत आगे ले जाएगा, लेकिन किसी के बारे में सोचिएगा तो आपको नीचे ले जाएगा। नहीं नहीं मेरा ये जो पर्सनल ही था उसी के लिए सोच रहे थे, तो ये पर्सनल है, ये चीज पर्सनल है, गर्लफ्रेंड पर्सनल होती है। वही ना बोले, ये जो ये बात बता रहे हैं सब पर्सनल चीज है, पर्सनल लोन का बात कर रहे हैं, आज है कल नहीं है, वही ना। हाँ तो वही देखिए, हाँ तो पर्सनल लोन वही आपके साथ कुछ नहीं कर सकते हैं, अनसिक्योर है, अनसिक्योर में सारा चीज आता है,
तो वही उसी को लेके टेंशन में थे। नहीं तो उतना टेंशन देखिए, जितना टेंशन लीजिएगा उतना ही आपको टेंशन होगा, इसीलिए टेंशन नहीं लेना चाहिए। अभी 2 साल तक तो दूर रहेगा, 2 साल के बाद अगर देखते हैं जॉब वॉब हो जाए डाल देंगे, कौन सा है अमाउंट बड़ा है जैसा भी। हाँ वो तो, हाँ वो बात का बात है, बात का बात नहीं है मेरा, तैयारी हम करते हैं, एसएससी का करते हैं। वो हम करते हैं ना अर्जेंट, लेकिन बात है डिप्रेशन में थे तो उतना अच्छा से नहीं कर पाते थे, जितना सेविंग आता था गेमिंग कर लेते थे, इतना उधारी था कि सला ये पैसा मतलब गेम खेल जीत के पैसा ही कर लेंगे, जितना ही एम आई एस था। अब कर्जा ही हट जाएगा तो पेंशन ही खत्म हो गया, पैसा तो सेविंग में आ जाएगा, फिर बाइक का लोन बना 3,000 दो कर लेंगे, उसमें कोई बस गर्लफ्रेंड पर्सनल नहीं है, गर्लफ्रेंड को कर दिया वो सब पर्सनल चीज है, वो सब पर्सनल चीज नहीं है, आज उसके पास तो कल उसके पास, कोई पर्सनल नहीं है समझे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब पर्सनल नहीं रहते हैं, आज इसके पास कल उसके पास, वो सब पर्सनल चीज वो सब नहीं मानना चाहिए, शादी हो गया उसको पर्सनल मानिए, नहीं हुआ है मत पर्सनल मानिए किसी को, हम अलग चीज है, हम अलग चीज है, हम देखिए हम जो भी चीज निगेटिव में जाए, जो भी चीज माइनस में जाए, वो सब चीज से हम दूर रहते हैं, पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, हम जो रिचेस्ट पर्सन है वो सब का मतलब कि हम मतलब कि उनका हम सर्च करते हैं गूगल पर, एलोन मस्क का सर्च करते हैं, जो जो मतलब कि अमीर व्यक्ति है उनको हम देखते हैं, ना कि हम ये सब बैक बैक में जाने वाले व्यक्ति को हम सर्च करते हैं, ये सब के चक्कर में हम नहीं सर्च करते हैं। हम तो सर्च किए थे कि परेशान थे, आप सर्च करना ही नहीं, अब आपसे डायरेक्ट बात करना है, कोई बात नहीं है, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड गोली मारे, हम उसी के चक्कर में कर्ज जो था उसी के चक्कर में ज्यादा टेंशन में हो जाता था, अभी 2 महीने डीपी करेंगे पूरा टेंशन कर जाएगा। तो वही ना बोले, वही ना बोले काफी के जैसा व्यक्ति थे कि मतलब कि वो लोन लेकर बैठ गए थे लड़की के चक्कर में, अब देते फ्री, अब जाइए, अब आपको रिपेमेंट कैसे कीजिएगा, आपका तो सिविल भी डाउन हो गया, गर्लफ्रेंड भी छोड़कर भाग गई। नहीं मेरा एक चीज है कि मेरा बिजनेस डाउन हुआ होगा, लेकिन मेरा जॉब में जो है फील्ड में जो है फेस वो फील्ड में है अच्छा। हाँ तो बहुत, हाँ ये चलिए एक तो बढ़िया हुआ ना, जाने के बाद आप आगे बढ़े वो बढ़िया चीज है समझ, लेकिन ये सब तो दूर रहना चाहिए, फालतू चीज है ये सब। नहीं अब आएंगे आपसे मिलने के लिए, पार्टी देके जाएंगे, ठीक है, 100% है 3 महीना के अंदर, रिंग विंग करते है कि नहीं, कौन सा ना ना हम नहीं ये सब नहीं करते, हमारे घर में कोई ड्रिंक नहीं करता है, कोई सट्टा में पैसा नहीं लगाता है, कोई मतलब ये सब नहीं है, खाली लोन लेते हैं सब, हम छुबो नहीं करते हैं ये सब छुबो नहीं करते हैं हम। अरे लोन लेते दुआते हैं बेटा ना। हाँ हम बस खाने में इंटरेस्ट रखते हैं, बस बढ़िया बढ़िया चीज है जिसे एनर्जी मिले वो सब चीज खाते हैं, उसका पैसा है हम बढ़िया चीज खाएंगे, ये सब नहीं करते हैं समझ गए, ये सब करने से और समझिए कि और आपका एज मतलब कि डाउन हो जाएगा। बूढ़े दिखेगा कम एज में, हम बता रहे पैसा पैसा जो आता है वो ढुआने में मजा लगता है, उसमें एक्सपर्ट है। पैसा क्यों डुबाइएगा, पैसा को बचा कर रखिए, पैसा को इज्जत दीजिए। नहीं जैसे आप EMI वाला जो बोल रहे हैं उसमें तो आप एक्सपर्ट है। हाँ वही ना वही ना वही तो वही ना सबसे हम लेकर रखे हैं, इसीलिए हम बोलते हैं यूट्यूब पर बताते हैं। फिर भी आपको टेंशन नहीं है, ये सबसे बड़ा बात। ना ना हम देखिए किसी भी चीज के लिए हम टेंशन नहीं लेते हैं समझ गए, एक तो मेरा यही है, कोई भी है हम टेंशन नहीं लेते, हम देखिए हम सोचते हैं ना कि हम ये चीज कर लेंगे, देखिए हमारा चैनल डिलीट हुआ था आपको बता देते हैं, हमारा चैनल डिलीट हुआ था 29 जनवरी इसी साल समझ गए ना, यदि हम हाँ इसी साल उस पर काफी फ्रॉड एप्लीकेशन के बारे में बता रहे थे, ऐसे ही खूब लोग फंसे हुए थे, कितना लड़की रो रही थी सब उस पर आकर, इसी इसी मतलब कि कितना आज सितंबर चल रहा है 13 सितंबर, ऐसा ही लड़की रो रही थी सब कि हमारा न्यूड फोटो भेज दिया उसके पास भेज दिया, तो उस वही ऐसा ही मोटिवेट हम करते थे, लेकिन NBFC का नहीं फ्रॉड एप्लीकेशन का, तो वही चैनल हमारा डिलीट हो गया, इसी नाम से चैनल था टेक्निकल जी पर ही, तो अब ना खोले हैं चैनल, तो वो हम यदि हम सोचते कि भाई हमारा चैनल डिलीट हो गया, इतना उस पर व्यू बढ़िया आता था, सब्सक्राइबर भी गेन होता था, एक दिन में
सौ सौ को उस पर गेन होता था, सब्सक्राइबर कम है, बढ़िया है। हाँ तो वही हम सोचते कि भाई हमारा चैनल डिलीट हो गया है, अब हम चैनल दोबारा नहीं बनाएंगे, ये हो जाएगा तो सोचते रह जाएंगे, इसीलिए हम ये सब चीज नहीं सोचते हैं। ना ना कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बस बस हाँ तो हाँ तो अपना एग्जाम में फोकस कीजिए, एग्जाम पर फोकस कीजिए, एग्जाम आपका करियर आबाद कर देगा, बहुत आगे ले जाएगा, एग्जाम में फोकस कीजिए आप। नहीं, एक साल बर्बाद हुआ लड़की के पीछे, एक साल हुआ सबसे बड़ी बड़ी दिक्कत यही है, जो जो लोग 19 साल 20 साल 25 साल 25 22 साल के उम्र तक आप संभालिएगा नहीं ना लड़की के चक्कर में, तो गुजर जाइएगा, समझ गए, जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़िएगा। आप यही देखिए, आप यही सोचिए ना, जो जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बिलियनर लोग हैं, जो करोड़पति है सब, जो जो दुनिया में बहुत कुछ अच्छा कुछ कर रहा है, पैसा है, रुतबा है, वो काहे ये सब बोलता है कि ये सब खराब चीज है, लड़की खराब चीज है। वही अभी समझ में नहीं आता, देखिए ये किसी का गलती नहीं है, ये सब एज का गलती है, ये हार्मोन्स का गलती है, वही समझ नहीं आता। वो लगता है कि भाई हाँ फिल्म में जो दिखाया जा रहा है वो सही है, लेकिन रियलिटी में कुछ और आता है। इसीलिए आप भी यही बोलिएगा, देख आप ही ये बोल रहे हैं ना, पहले ये नहीं बोलते होंगे, दोस्त भी आपको मना कर रहा होगा, जो ये सब के बारे में जान रहा है तो उसको इग्नोर करते होंगे, बात है कि नहीं? हाँ उसको 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 इग्नोर करते होंगे, लेकिन जब से छोड़ के गई बस आप भी मतलब कि बोल रहे हैं, है कि नहीं? इसीलिए हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, ये नहीं कि मतलब कि कोई हेट नहीं, कोई नफरत नहीं, ये सब के चक्कर में रहना ही नहीं चाहिए। आगे बढ़िए, अपना काम कीजिए, आप पर काम कीजिए, बस काम खत्म। पैसा है तो सब चीज है, जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास उसके पास कुछ भी नहीं है। जाइए ना, देखिए ना, जो स्टेशन पर लोग सो रहे हैं उसके पूछिए जाकर पैसा क्या है या पैसा ना है, अपने आप आपको बता रहे हैं। चलिए वही बोल रहे हैं जो जो लोग गरीब व्यक्ति, जो जो झुग्गी झोपड़ी में है, उसको भी सपना है कि हम भी फ्लैट में रहे, ठीक है, हम भी 5-10 बिल्डिंग में रहे, लेकिन क्या करें भाई, वो नहीं है। अब जो आप लड़की की चक्कर में है वो कमेंट करेगा कि मतलब कि है ना, पैसा कुछ भी नहीं है, सब चीज पैसे नहीं है। अरे काहे नहीं पैसा सब चीज है भाई, पैसा ही से वो है, लगले पैसा कम हो जाएगा बस जाएगी वो। हाँ ये सब में नहीं रहना चाहिए, नहीं तो लड़की में सबसे बड़ा दिक्कत ना है, बताइए कि उसका शादी भी हो गया तब पर भी आपसे बात कर रही है, बताइए आपको भी उधर धोखा में हुआ, अपने पति को भी वहां पर धोखा में रह रही है, काहे ला ये सब झोल झपाटा में पड़ रहे हैं, सब बताइए, ये सब ऐसा ऐसा लड़की होती है। मेरे नाम पे केस भी है, केस भी कर दिए वो, फिर भी बात करते हैं, लेकिन वही बात है कि हम ऑन ड्यूटी थे, सबसे बड़ा मिस्टेक है उसका, जिसके पास खाली टाइम रहता है ना वही देखिए केस करता है, वही मतलब कि ये सब के चक्कर में रहता है, जिंदगी में यही में गुजर जाएगा, आप केस कीजिएगा, फिर वो उधर से केस आएगा, उधर आप इधर से केस की कैसे केस खेलते रह जाइएगा। ये सब सबसे दूर रहना चाहिए, समझ गए, ये सब लड़की फालतू चीज है, बताइए शादी होने के बाद भी आपसे बात विचार हो रहा है, फालतू चीज नहीं है, उसके पति है, बताइए, जबकि उसका शादी हो गया वहां पर। चलिए चलिए और सब ठीक है ना, नंबर है बात करके, ठीक है चलिए और सब ठीक है, ठीक चलिएगा, यहाँ पर बात विचार हो गई, थोड़ा पर्सनल भी बात यहाँ पर होने लगी, चलिए कोई बात नहीं, चलिए यहाँ पर कॉल लगाते हैं, और लोग का यहाँ पर कॉल आया है, तो ये भी मतलब कि हम पॉकेट एप्लीकेशन से लोन लिए हैं, रिपेमेंट करने के बाद भी बोल रहे हैं कि कॉल मैसेज आ रहा है, जबकि हम हेलो, हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? आ रही बताइए भाई, मेरे को रिंग के बारे में बात करनी थी।
हाँ तो इसका कि लोन लिए है इससे ना, रिंग से लोन लिए है ना। अच्छा कितना दिया है आपको? उसमें 10,000 था मेरा, अच्छा तो कितना दिन हो गया? 2 महीने हो गए, 2 महीने से ज्यादा हो गए। ओ वही आप पर फोन कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, यही सब ना। ब्लैकमेल तो नहीं, बस कंपनी का फोन आया था उनका, बस वो मैंने तो मना कर दिया, मेरे पे नहीं है, मेरी जॉब वगैरह छूट गई थी हाँ। तो मैंने मना कर दिया। तो एजेंट घर पे आया था कोई, ओ एजेंट आ गया था। तो क्या करना होगा उसका? वही है कि देखिए एजेंट आया था तो वही है कि आपको आएगा, बोलेगा कि पैसा दीजिए, करना क्या है उसको, करना क्या है, अच्छा वो तो फिर आएगा आपके क्या घर पर, करना पैसा मांगेगा और जाएगा, यही ना है। कोई और कोई वो कोई एस तो नहीं है इसके अंदर? ना 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 ना, देखिए कोई लीगल एक्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बस यही है कि कॉन्टेक्ट लिस्ट आपका हैक करेगा, हैक करने के बाद कॉन्टेक्ट लिस्ट पर फोन करेगा, क्योंकि काफी लोगों का अब मैसेज कॉल आ रहा है कि कॉन्टेक्ट लिस्ट हैक होना स्टार्ट हो गया है। अच्छा कॉन्टेक्ट लिस्ट हैक होना स्टार्ट हो हाँ गया है। और ये भी हो रहा है, देखिए एम पॉकेट के बारे में आपको बता देना चाहते हैं, एम पॉकेट के बारे में खास, एम पॉकेट से लिए हैं कि नहीं लोन? नहीं एम पॉकेट से नहीं लिया, सिर्फ नहीं तो इसे रिंग फ्यूचर में में मान लिया लीजिए था। लीजिएगा भी तो आपको पहले ही चेतावनी दे देते हैं। देखिए एम पॉकेट हो क्या रहा है कि रिपेमेंट करने के बाद भी बोल रहा है ना कि पेमेंट आप नहीं दिए हैं। अच्छा, रिपेमेंट करने के बाद ही बोल रहा है कि पेमेंट हाँ नहीं दिया आपने? अच्छा रिपेमेंट करने के बाद ही बोल रहा है ना कि आपका ड्यूज है। आ कितना लोगों का अच्छा मैसेज आ गया कि रिपेमेंट करने के बाद भी हम पर कॉल मैसेज आ रहे हैं 6-6 महीना से। अच्छा तो बताइए अब क्या इसे लगा सके, बात है कि नहीं?